अजमेर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। पुलिस फरार मामले में अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। आज मामले का खुलासा अजमेर एसपी वंदिता राणा के द्वारा किया गया। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि 23 सितंबर 2024 को बजरंग कॉलोनी निवासी विक्रम चौधरी ने गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें शिकायत देकर बताया गया कि 22 सितंबर की रात्रि को वह और उसके मौसेरे भाई उनकी पार्किंग पर बैठे थे। कुछ बदमाश पार्किंग में आए और शराब का सेवन कर वहीं बैठ गए। तभी मना करने पर मारपीट की गई और बंदूक से उसके भाई आशीष पर दो फायर कर भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्यवाही के निर्देश दिए गए। एसपी राणा ने बताया कि टीम के द्वारा सीसीटीवी चेक कर आरोपियों की पहचान की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम मोहनपुरा सरहद में स्थित पहाड़ियों पर दबिश देकर बजरंग कॉलोनी निवासी मनोज चौधरी, आकाश नायक, मदनगंज किशनगढ़ निवासी निखिल कुमार यादव और दादीज कॉलोनी निवासी सुमित परिहार को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी मनोज के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद की गई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की वारदात हुई थी रात्रि के समय। उस फायरिंग की वारदात के अंदर टोटल चार लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो फायरिंग की वारदात में वेपन यूज़ किया गया वो वेपन भी रिकवर किया गया है और इसके अंदर दो और लोग वांछित हैं, एक और लोग वांछित है और आगे पूछताछ से पता चलेगा कि किसी और की भी कोई भूमिका थी क्या, उनकी तलाश जारी है। देखिए, ये आपस में वैसे तो पहले से एक दूसरे से परिचित हैं और उस समय पर किसी बात को लेकर पहले भी कोई झगड़ा हो चुका है और उस समय पर किसी बात को लेकर इनकी कहा सुनी हुई और अपराधी किस्म के व्यक्ति होने से उसने फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया जिसके ऊपर पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया। पूर्व में भी जो सुरेंद्र घासल जो आरोपी है जो फरार है, इस तरह की कई इसके मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। लगातार जो भी आपराधिक वारदातों को इसने अंजाम दिया उसमें पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा है, अभी बेल व्यवहार है, इसको जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने के बाद जो पाबंदी की कार्रवाई होती है वो हम निरंतर करते रहते हैं और अगर ये इसी प्रकार से संलिप्त रहेगा अपराधों के अंदर तो इसके खिलाफ जो कानूनन राजपासा और इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो भी पुलिस लेगी और जो नए कानून के प्रावधान के अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और जो भी लीगल रूल्स हमारे पास अवेलेबल है उनका प्रयोग करके इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा। लोकल ही लोग हैं जिनकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ नोट के फॉर्म में शेयर करेंगे। किसने चलाया, वेपन किसने चलाया, फायरिंग किसने की और किनसे बरामद हुई है, जो हथियार है वो अब तक की पूछताछ में जो ये घायल है सुरेंद्र घासल है उसी के द्वारा चलाया जाना सामने आया है और मनोज जो एक हमारा गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है उसके पास से हमें हथियार बरामद हुआ है। बाकी जो तथ्य हैं वो पूछताछ में क्लियर हो जाएंगे। ये जैसे कि मैंने कहा कि एक तो जो ये घासल है ये आपराधिक व्यक्ति का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरे समय हथियार अपने पास रखता हो। बाकी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन से जो पूरा घटनाक्रम है कि क्यों लेके आए, क्या ये किसी और वारदात की फिराक में थे, ये हम क्लियर कर लेंगे।